बिहार या टैक्स के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुत सारे लोगों को पता है। अकाउंटिंग फील्ड से है तो आप लोगों को पता है, अकाउंटिंग फील्ड से नहीं है तो आप बिजनेस करते हैं तो आप लोगों को पता होना जरूरी है, और यूएई में स्पेशल रहते हैं तो अभी तक पता नहीं था तो अभी पता होना जरूरी है। इसको हम सिंपल सी भाषा में समझाते हैं, जैसे वैट वैल्यू एडेड टैक्स होता है, और टैक्स जो कंज्यूमर पे करता है एक निश्चित तौर पे वो होता है, ये गवर्नमेंट लेता है, गवर्नमेंट का जैसा कंज्यूमर से टैक्स लिया जाता है लेकिन वैट के रूप में। अभी होता कैसे, जैसे समझ लीजिए एक खजूर है, खजूर प्रोडक्शन करता है एक फार्मर, वो जब फैक्ट्री में सेल करता है तो फैक्ट्री वाला से वैट लेता है। सपोज हमारा अभी जो यूएई में वैट लगने वाला है 5% जनवरी 2018 से शुरू होगा, 150 कंट्री में वैट सिस्टम है, उसमें से जीसीसी में वैट सिस्टम नहीं था, अभी यूएई और सऊदी अरेबिया इसको इम्प्लीमेंट करेगा, शुरू करेगा 2018 जनवरी 1 से। उससे पहले एक्साइज टैक्स का नाम से एक दूसरा एक टैक्स होता है टोबैको और एनर्जी ड्रिंक में, मतलब ये 2-3 महीने से चलता है, ऐसे करते करते लोगों के एक हैबिचुअल बन जाएगा टैक्स के बारे में, क्योंकि अभी शुरू कर रहे हैं तो हर चीज़ शुरू करने से पहले थोड़ा सा उसको एक्सरसाइज करना होता है, उसको प्रैक्टिस करना होता है, इसके लिए ये लेके आया हुआ है। थोड़ा सा सिंपल भाषा में हम समझा रहे थे, जैसे हम एक खजूर है, खजूर का एक फार्मर है, 5% टैक्स वो जो फैक्ट्री को सेल करेगा, फैक्ट्री से लेकर 5% टैक्स रेगुलर, मान लीजिए उसका 100 दिरहम है, 100 दिरहम में सेल करता था तो 105 दिरहम ले लेगा, रखेगा गवर्नमेंट के लिए, वो पैसा होगा गवर्नमेंट का। फिर जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री सेल करेगा, फैक्ट्री बनाएगा और सेल करेगा डिस्ट्रीब्यूटर को या रिटेलर को सेल करेगा, जब रिटेलर को सेल करेगा तो वो लेगा 5% वैट इज अ टैक्स फ्रॉम रिटेलर, वो रिटेलर से लेगा 5%, मतलब इधर भी उसका जितना भी कॉस्ट है सब कॉस्ट ऐड करके जो आता है, जितना कॉस्ट आता है पूरा में, फिर 5% उस जो जितने में वो सेल करेगा उसका 5% रखेगा गवर्नमेंट के लिए। फिर सेकेंड जो रिटेलर है, रिटेलर सेल करेगा कंज्यूमर को, सपोज उधर का 100 दिरहम का था तो इधर कंज्यूमर के अच्छे से पैकिंग होके जब कंज्यूमर का रिटेलर का सेल्फ तक आया तो उस टाइम तक उसका रेट हो गया 150 दिरहम सपोज, या 125 दिरहम, 120 दिरहम जितने भी हो, तो उसमें से क्या होगा फिर जब रिटेलर के पास पहुंचता है तो रिटेलर पहले जितने में खरीदता था अभी तक उसमें से 5% एक्स्ट्रा टैक्स देके खरीदेगा रिटेलर से, कंज्यूमर हम लोग जो कंज्यूमर है हम 5% एक्स्ट्रा टैक्स दे के खरीदते हैं। अभी क्या होता है फिर बैकअप फोर्सेस ये जाता है रिटेलर, रिटेलर अपना जो जितने में खरीदा हुआ है जो 5% फैक्ट्री वाला को दिया, मैन्युफैक्चरर को दिया, वो कस्टमर से लेगा, और कस्टमर रिटेलर मैन्युफैक्चरर को देगा, मैन्युफैक्चरर फार्मर को देगा, मतलब जो मैन्युफैक्चरर शुरू से जो रॉ मटेरियल्स आया उधर पहुंचेगा वो देगा, वो जाएगा गवर्नमेंट में, ये घूमते फिर के ये प्रोसेस होता है। इसमें से जितने भी बिजनेसमैन हैं वो लोगों का हिसाब रखना पड़ता है, जो हिसाब होता है गवर्नमेंट के लिए एक अलग सा हिसाब होता है, गवर्नमेंट के लिए अलग सा हिसाब, मतलब गवर्नमेंट का जो टैक्स का जो सिस्टम है, जैसे हमारा अकाउंटिंग सिस्टम में कोई टैक्स का सिस्टम नहीं होता था अभी तक तो उसमें होगा, हमारा बिलिंग सिस्टम में कोई टैक्स वाला कुछ आता नहीं था, अभी आएगा जनवरी से, तो बहुत सारे ये चीज़ें हमारा चेंज होगा, हमको देखने को मिलेगा। अब इसमें से हम जैसे साधारण लोगों के लिए क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसमें, देखिए बहुत सारे लोग बहुत सारे चीज़ करते हैं कि इसमें से ये होगा वो होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, तो इसमें से बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जिसमें वैट नहीं लगेगा और बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जिसमें वैट लगेगा। जिसमें वैट लगेगा वो है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, कार, कार प्राइस, रेंट अ कार, और गोल्ड ज्वेलरी, सिनेमा, कपड़ा, कॉस्मेटिक्स, फ्यूल, फ्यूल प्राइस, फाइनेंशियल सर्विस फी, स्कूल यूनिफॉर्म एंड ट्रांसपोर्ट, स्कूल फी में नहीं लगेगा लेकिन स्कूल यूनिफॉर्म एंड ट्रांसपोर्ट में लगेगा। ऐसे ही जैसे कोई चीज़ है जिसमें भी वैट मतलब टैक्स नहीं लगेगा, जैसे ट्यूशन फी हो गया, मेडिकल फी, मेडिकल कॉस्ट, सर्जरी कॉस्ट, एयरलाइन टिकट, सैलरी, बोनस, वीजा चेंजेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इनमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और जैसे हम मार्केट में जितने भी खरीदते हैं जो गारमेंट्स हम खरीदते हैं उसमें 5% है, जो
आउट डाइनिंग हम लोग खाते हैं उसका 5%, मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा सा बढ़ेगा। जैसे हम पूरा महीने में 100 खर्च करते हैं तो 105 हो गया, यही रेशियो में खर्चा बढ़ेगा। और इसमें से जो वैट कैलकुलेटर भी है आप देख सकते हैं, और ये जो वैट लगता है, टैक्स लगता है, बहुत सारे कंट्री में अलग अलग है। आप जानना चाहेंगे तो जैसे डेनमार्क में 25% वैट लगता है, मोरक्को में 20%, ट्यूनिशिया में 18%, अल्जीरिया में 17%, जोर्डन में 16%, पाकिस्तान में 15%, मोरिटानिया में 14%, साउथ अफ्रीका 14%, न्यूजीलैंड 12.5%, लेबनान 10%, इजिप्ट 10%, सूडान 10%, सिंगापुर 7%, जापान 5%। ऐसे ही बहुत सारे कंट्री में टैक्स लगता है, और इधर भी, और सैलरी में टैक्स नहीं लगेगा। बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन होता है हमारा सैलरी में भी टैक्स लगेगा, वो होता है इनकम टैक्स, वो टैक्स नहीं लगेगा। सिंपल से भाषा में समझाने का मेरा छोटा सा कोशिश था। और आप बिजनेसमैन है, आप छोटा सा शॉप करते हैं, छोटा सा दुकान है, तो आपको वैट में रजिस्टर करना पड़ेगा अपना अपना शॉप को, अपना बिजनेस को। और कभी भी टैक्स चोरी करेगा, मतलब टैक्स चोरी का मतलब सही तरीके हिसाब जमा नहीं करेगा, या इसका फ़ायदा उठा के, जैसे एक सामान हम अभी 10 दिरहम में सेल करते हैं तो 10 दिरहम 50 फील्स हो गया, फ़ायदा उठा के 11 दिरहम में सेल करेगा, गवर्नमेंट को पता चलेगा कि ये टैक्स में गलत फ़ायदा ले रहे हैं, तो 1,00,000 दिरहम फाइन लगेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सही तरीके से हिसाब रखना भी बहुत ज़रूरी है, और टैक्स को समझना, वैट को समझना भी बहुत ज़रूरी है। उसके हिसाब से कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे नया बिल्डिंग बना हुआ है तो उसमें 3 साल तक, 3 ईयर्स तक कोई वैट नहीं लगेगा, उसके बाद लगेगा। और रेसिडेंशियल रेंटल रेंट में कोई वैट नहीं लगेगा अभी के सिचुएशन में, लेकिन बाद में ये भी हो सकता है। और 3-5% है कोई कोई सामान में, 5% से थोड़ा कमती भी वैट लगेगा। वो धीरे धीरे कैबिनेट, इधर का जो वैट इम्प्लीमेंट एक टीम है, वो टीम बैठेगा, उसके बारे में बात करेगा। और इसके अंदर बोलते भी है कि आपके पास कोई कंप्लेन है वैट को लेके, तो आप कंप्लेन भी डाल सकते हैं, वैट एसोसिएशन को आप मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। उसका 20 दिन के अंदर आपका सुनवाई होगा, वो भी नहीं होगा तो आप एक्सपर्ट से राय ले सकते हैं। फिर 3 बार आप ट्राई करने के बाद नहीं होगा, पूरा सिस्टम दिया हुआ है, कोर्ट में जाके केस भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो बहुत सारे चीज़ हैं वैट के बारे में समझे, जो छोटा छोटा न्यूज़ होता है डालते रहूँगा। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए, पसंद आया तो लाइक करिए, कुछ लगा तो कमेंट करिए, आपको लगा कि इससे दूसरे का फ़ायदा मिलेगा तो शेयर करिए, देखते रहिए।